gusto como compra Peacemaker Bot que yo vi. Para volar va a ir. La tripitia te registra se ha dado en el sat ni hasta aquí. Ahora ya todo no. Y eso que vale. Ahora ya ya todo de aquí dicen no va a ganar. ¿Qué es eso? ¿Vale? Sí. O veo y qué chido, un beat muy guay, no hice ningún problema. A ver. तो हमने कोडिंग और नॉन कोडिंग ठीक है बेटे वी डिड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वी डिड कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डी फिर दोबारा रिपीट करते हैं कि कोडिंग इन प्रोकैरियोट्स there is no distinction into coding and non-coding. But in eukaryotes, there are alternate fragments of DNA which produce
messenger RNA and called coding DNA or exon. The fragment which does not produce messenger RNA is called non-coding. Or intron. So there are alternate exon and intron parts in DNA, also called coding and non-coding. ठीक है भाई? तो ये डीएनए है प्रोड्यूसेस मैसेंजर आरएनए messenger RNA does not produce produces no yes. तो इस तरह से अल्टरनेट इसको कहेंगे हम एक्सोन, इसको कहेंगे इंट्रोन, फिर एक्सोन, फिर इंट्रोन, फिर एक्सोन, फिर इंट्रोन, एक्सोन एंड सो ऑन. इस तरह से अल्टरनेट कोडिंग और नॉन कोडिंग फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए में. कोडिंग फ्रेगमेंट्स को कहते हैं एक्सोन और नॉन कोडिंग को कहते हैं इंट्रोन. क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए की लेंथ लगभग 2.2 मीटर होती है अगर सारे डीएनए को सीधा करें तो, और वो सारे का सारा फंक्शनल नहीं होता.
There are only about 25 to 30,000 genes which are functional. The remaining part of the DNA is non-functional. जितने भी सैटेलाइट्स के अंदर जो डीएनए है रिपीटेटिव डीएनए है या हेटरोक्रोमेटिन्स है दे आर नॉन फंक्शनल मैं आ रहा हूं एक मिनट भाई इसके बाद आता है सैटेलाइट डीएनए अब आपके बुक में डायग्राम भी बनाया हुआ है एमएनसी में तो था सेट क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे ये क्रोमोसोम है ये सेंट्रोमियर है ये इसकी दो आर्म्स है ये है टेलोमियर पेरिसेंट्रिक रीजन ये सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ये
secondary conscription ये है सेकंड लाइट एंड दिस इज सेकंड लाइट क्लियर है बेटे के कुछ क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी के अंदर दे कंसिस्ट ऑफ और दे बियर सैटेलाइट्स एंड सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज सेट क्रोमोसोम्स और इस सैटेलाइट के अंदर जो भी डीएनए का पार्ट है द पार्ट ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन दिस सैटेलाइट इज ऑलवेज रिपीटेटिव डीएनए तो नाउ DNA is a part of DNA present in satellite. It consists of repetitive sequences and they are further of two types. Further of two types, mini satellites and micro satellites. Mini satellites. Micro satellite. Now, micro satellite. Micro satellite very small fragments of DNA having only
1 to 6 nitrogen base pairs. इसको कहेंगे बेस पेयर एंड दे आर रिपीटेड टू मिलियंस ऑफ टाइम्स मिलियंस ऑफ टाइम्स उसके बाद है मिनी सैटेलाइट्स कंसिस्ट ऑफ सम लार्जर सम व्हाट लार्जर fragments of DNA having from 7 to 60 base pairs, and they are repeated for about thousands of times. हजारों बार जो है दे आर रिपीटेड वो मिलियंस ऑफ टाइम छोटी है तो ज्यादा बार रिपीट होंगी बड़ी है तो कम बार रिपीट होंगी ये भाई 11 to 66 base pairs they were discovered by Allen Jeffrey father of they were discovered by Allen Jeffrey father of DNA printing तो डीएनए प्रिंटिंग जो है उसके थे ये रचयिता हाँ नीचे बेटे फिर मैंने ऊपर लिख दिया ये दोबारा वो नीचे चला गया था देखा फिर मैंने देखा कि ये मोनेन मोनिका बेटी ये ऊपर लिख दिया कोई
दिख नहीं रहा, नीचे वाला वो काट कर ऊपर लिख दिया ना बेटे, दोबारा लिख दिया ये, नीचे वाला काट दिया ये, उसको दोबारा लिख दिया, मैंने देख लिया था वो, अब तो दिख रहा है, तो वो लिखा था कि it was discovered by Alan Jeffrey, called father of DNA fingerprinting, DNA printing or DNA finger printing. Finger का तो नाम ही है, कहीं से भी वो मिल जाए तो ये क्रोमोसोम जरूरी नहीं है कि फिंगर से ही ले, फिंगर का तो वो था भी ऐसे पहले फिंगर का वो हुआ करता। उसके बाद है पैलिंड्रोमिक डीएनए, पैलिंड्रोमिक डीएनए। अब भाई देखो हिंदी में कुछ वर्ड है, जैसे ये है नितिन, इधर से पढ़ दो चाहे इधर से पढ़ दो सेम है, इसी तरह से मलयालम, इधर से पढ़ लो या इधर से पढ़ लो, इट इज सेम। मैडम, एम ए डी ए एम, एम ए डी ई एम। तो जिस तरह से ये वर्ड है इसी तरह से डीएनए के अंदर कुछ फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनको दोनों तरफ से अगर हम पढ़ें तो एक जैसी सीक्वेंसेस पाई जाती हैं दोनों स्ट्रैंड्स में, और उस डीएनए को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और पैलिंड्रोमिक डीएनए। जैसे मैं अब बनाता हूं, अगर आप ये क्लास यहाँ होती तो मैं आपसे सबसे लिखवा लिखवा के और उनसे देखता कि भी आप इसको समझ पा रहे हैं और लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। और हर साल ऐसे ही किया करते थे कि भाई दो तीन वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, एक ही नहीं दो तीन बना के अलग अलग लिख के देखो, आ रहा इसी आई के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे ये है ए ए टी टी सी सी टी जी, टी अब यहाँ आएगा आया। अब ये तो नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके आगे अब हमने यहां ए ए लाना है, ये ए ए है तो इसको ऐसे करते हैं ए ए, तो यहां आ गया टी टी, उसके बाद है टी टी, तो यहां आ गया ए ए टी टी, यहां जी जी, तो यहां आ गया सी सी
E, A, A, B, B. देखो भाई यहाँ A A है यहाँ A A यहाँ T T है यहाँ T T है यहाँ C C है यहाँ C C है यहाँ G G है यहाँ G G है यहाँ A A है यहाँ A A है यहाँ G G है यहाँ चाहे इधर चले जाओ इधर से इधर चले जाओ same type of nitrogen bases when present in a sequence they are called palindromic sequences. अब हम दूसरी बना लेते हैं जी बशन जी टी टी ए ए सी सी अब इतना लिखने के बाद हमें यहां लिखना है सी एन जी तो यहां आ गया सी अब टी टी है यहां तो यहां ए ए A, A, B, B, C, 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 D, D.
yoga, robot making. ये इधर लेंगे ए की ए इसका ये सी पास है आगे ए की तो इस तरह से कोई भी बना सकते हैं दे आर पैलिंड्रोमिक इधर टी है इधर टी है इधर ए है इधर ए है इधर जी जी है इधर जी जी है इधर इधर सी सी है इधर सी सी है ए टी सी सी आ रहा है यहाँ सी सी है तो यहाँ भी सी सी आ रही है यहाँ जी जी है तो यहाँ भी जी यहाँ सी सी बीच में एक और आएगा A T A T C C C C G G G G A T C C S C C This is palindromic sequence. अब इसका तरीका ये है यहां से लिखने लग जाओ अगर ए ए यहां लिख लिया तो यहां भी ए ए लिख लो यहां जी जी लिख लिया तो यहां भी जी जी लिख लो यहां अब यहां सी सी लिखोगे यहां टी टी लिखोगे यहाँ टी टी लिखोगे यहाँ सी सी लिखोगे अब बीच में मान लो आपने सी सी लिख लिया तो यहाँ जी जी लिखोगे यहाँ हो गया ए जी जी सी सी तो यहाँ सी सी जरूर लिखोगे यहाँ जी जी हो गया
तो वो इधर दिखे और इधर से लिखा। अच्छा ये एक चीज और है, कभी भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ओड नंबर से अगर आप करोगे तो कभी नहीं बनेगी, इसमें हमेशा इवन नंबर ही होगा, दो पे भाग जाए अगर एक वो करोगे तो ये नहीं बनेगी। बना के देखो और ये इस तरह से दे आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। दीज आर सीक्वेंसेस ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड। मैं भी लिख देता हूँ, एक मिनट लगेगी, बस छोटा सा है। These are sequences of nucleotides in a DNA which are arranged in such a way when read from both sides show same nitrogen bases. डायग्राम हम बना चुके हैं, वो बना बना के दो बार देखोगे तो यू विल बी ए परफेक्ट। दे आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक ओके भाई, बाकी कल करेंगे। Okay, good day. ठीक है।